तो मैं एक दिन बाद भी वहां पहुंचूंगा तो मेरे दिमाग में तो यही था कि उससे क्या फर्क पड़ता है, एक दिन बाद जाने में क्या फर्क है, आप बताइए। कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है आप बताइए ना। सुना आपने, यह नीतीश सरकार के मंत्री गौतम सिंह। गौतम सिंह उसी छपरा जिले से आते हैं जिस छपरा के दो जवान पाकिस्तानी सैनिकों की गोली से शहीद हुए। गौतम सिंह न तो शहीदों का शव देखने पटना एयरपोर्ट गए और न ही छपरा जाकर अंतिम संस्कार में ही शामिल हुए। गौतम ने कैमरे पर कबूला कि ऊपर से कोई ऐसा आदेश नहीं था। कहीं ऊपर से कोई आदेश नहीं था कि आप वहाँ चले जाइएगा एयरपोर्ट, और जब राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि निर्धारित था तो उसी में बेचारे रह गए कि भाई कल हमको जाना है, इसलिए नहीं जा पाए वहाँ। मतलब नीतीश ने नहीं कहा तो मंत्री शहीदों के घर नहीं गए। जिस रात शहीदों का शव पटना पहुंचा था उस रात गौतम सिंह भाई के इलाज के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन गौतम जो कह रहे हैं उससे तो यही लगता है कि वो कुछ छिपा रहे हैं। आपको मालूम था कि शहीदों का शव आ रहा है? बिल्कुल था, यह मालूम नहीं था कि डेड बॉडी कब आएगा। शनिवार को गौतम सिंह शहीद के गांव गए थे लेकिन लोगों ने उन्हें वहीं घेर लिया। लेकिन गौतम सिंह कहते हैं कि एक रिश्तेदार ने मजाक किया था कि जब तक नीतीश नहीं आएंगे तब तक जाने नहीं देंगे। भाई एक मेरा भाई है, मजाक कर दिया कि मुख्यमंत्री जी जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको हम लोग नहीं जाने देंगे। मतलब शहीदों की बात को आप मजाक समझते हैं? नहीं, नहीं। शहीदों के परिवार की बात को? नहीं, शहीद का परिवार का नहीं ना, रुकिए ना। अरे शहीद के परिवार का लोग नहीं रहता भाई। जिस घर में मातम पसरा होगा वहाँ कोई मजाक के मूड में भी हो सकता है भला। अब ये सच गौतम सिंह को कौन समझाए? पहले भीम सिंह, फिर नरेंद्र सिंह और अब गौतम सिंह। आखिर नीतीश कब तक माफी मांगते फिरेंगे?